का शीर्षक है, 80 के पिता और उनसे 4 वर्ष छोटी माँ। दोनों को गठिया है और 20 कदम चलने में भी 20 मिनट लगते हैं उन्हें। माँ के पास बस एक ही काम है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक विभिन्न धार्मिक चैनलों को सुनना। और सुनना भी क्या, थोड़ी देर बाद ही उनकी आंख लग जाती है और लेने लगती हैं खर्राटे। लेकिन मजाल क्या है कि पिताजी चैनल बदल दें। जैसे ही चैनल बदलता है वे बड़बड़ाने लगती हैं, इन्हें तो मेरा इस उम्र में भजन कीर्तन सुनना भी अच्छा नहीं लगता। बैठ के पलंग तोड़ रहे हैं और नल से पानी टपक रहा है, उसे ठीक करवाने का समय नहीं है, न लड़का सुनता है न बाप। वे उन्हें चुपचाप बैठे नहीं देख सकते, इतना काम पड़ा है कौन करेगा। इसके पास तो बैठना ही बेकार है, 80 साल से खट रहा हूं, इसे लगता है अभी भी 25 साल का जवान हूं। वे बड़बड़ाते हैं और अखबार लेकर बालकनी में बैठ जाते हैं। वहां धूप आ रही है, बीमार पड़ जाइएगा, वे तेज आवाज में बोलती हैं। और पिताजी ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे सुना ही नहीं। वे मन ही मन खुश होते हैं कि एक यही तो है जो मेरी इतनी चिंता करती है। फिर कान से सुनने वाली मशीन हटाकर बोलते हैं, अब मुझसे नहीं होता यह सब, इसके चिल्लाने से तो मैं तंग आ गया हूं, इसी की वजह से मुझे गठिया हुआ है, तो क्या मैं ठीक करूं। और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। अचानक वे चिल्लाती हैं, अरे मेरा पैर। और पिताजी बोलते हैं, 50 बार कहा है कि झटके से मत उतरो। और पिताजी उसका पैर उठाकर बिस्तर पर रख देते हैं और धीरे धीरे दबाने लगते हैं। वे मन ही मन प्रसन्न होती हैं और चुपचाप उनका हाथ झटकते हुए कहती हैं, चलिए हटिए, पाप लगाएंगे क्या। हालांकि दोनों अब अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन मजाल क्या है कि माँ को रात में छींक भी आ जाए तो पिता हड़बड़ा कर पहुँच जाते हैं माँ के पास और पूछते हैं, महेश की माँ, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ तो नहीं।